बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सब भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो मुस्तकबिल करीब में है वीज़ा अपना अप्लाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंगेन स्टेट का, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड या यूरोप के किसी भी मुल्क का, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। काफ़ी भाइयों के पास डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज किस तरीके से करना है। तो ये तमाम तो चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आज मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, सूरज भी निकला हुआ है, तो मैंने सोचा कि घर से बाहर निकलूँ और एक वीडियो घर से बाहर बनाऊँ और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ये टॉपिक बाहर घर से बाहर निकल के कवर करूँ। तो फ्रेंड्स, वो लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं बताऊँगा कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से मैनेज करने हैं, और वो लोग जो बिज़नेस करते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से मैनेज करने हैं, वो भी डिटेल से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जॉब करने वालों के लिए। अच्छा, जो जॉब करने वाले हों या बिज़नेस करने वाले हों, दोनों के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होता है बैंक स्टेटमेंट, और क्योंकि बैंक स्टेटमेंट को ही देख के वीज़ा ऑफिसर आपकी इनकम का, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, उसी पर वो जज करता है कि आपकी इनकम कितनी है और आप बाहर जिस मुल्क में घूमने के लिए भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं अभी हॉलैंड में हूँ, और अगर आप हॉलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर ये चेक करता है कि आपके अकाउंट में या आपका फाइनेंशियल स्टेटस इस तरीके से है कि आप वहाँ पे जाके ये तमाम तर घूमने फिरने के जो अखराजात हैं वो फुलफिल कर सकें। अच्छा, जो जॉब करते हैं उनके लिए लाजमी तौर पे ये कि उनके लिए अगर वो शेंगेन स्टेट का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट फॉर शेंगेन स्टेट या रोमानिया बल्गेरिया शेंगेन स्टेट में नहीं आते, लेकिन आप इन ममालिक का भी अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो शेंगेन स्टेट का, तो आपकी इनकम तकरीबन यूँ समझें कि 80,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। 80,000 रुपये का मतलब ये होगा कि तकरीबन 400 यूरो, अगर 400 यूरो से ज़्यादा की आपकी इनकम बनती है, यानी कि 80,000 रुपये से ज़्यादा, तो फिर आपका ये बैंक स्टेटमेंट चलेगा। उसके अंदर आपकी मंथली सैलरी आपके अकाउंट में आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको सैलरी स्लिप भी मिलना चाहिए। और यकीनन जिस कंपनी में आप इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर, या जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं या कवरिंग लेटर कहते हैं, वो भी आपको बना के देगी। तो ये चीज़ें होंगी तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वकार भाई, हमारे को सैलरी हमारी कंपनी हमारे अकाउंट में नहीं, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं भेजती, हमारे को कैश देती है। देखिए, इस सूरत में आपका बैंक स्टेटमेंट सिर्फ उसी वक्त काबिले कबूल होगा कि अगर आपकी कंपनी आपको जो सैलरी दे रही है उसके साथ आपको सैलरी स्लिप दे, और उस सैलरी स्लिप के अंदर तमाम तर स्पेसिफिकेशन हो कि आपका जो टैक्स हैगा वो आपकी कंपनी, यानी आपका जो एम्प्लॉयर रहेगा, जो आपको ऑनर रहेगा, वो आपका टैक्स जो है वो आपकी कंपनी में, आपके अकाउंट सैलरी में से पे कर रहा है, और ये तमाम तर चीज़ें जो है आपकी सैलरी पे जो है वो स्पेसिफाइड हैं। और आपका जो जो सैलरी स्लिप है, जब भी कोई आदमी कैश सैलरी देता है तो उसका जो ऑनर होता है एम्प्लॉयर, या वो शख्स जो आपको सैलरी दे रहा है उसके और सैलरी लेने वाले यानी एम्प्लॉई दोनों के सिग्नेचर होते हैं सैलरी के बैक साइड पे या फ्रंट साइड से। इसका मतलब होता है कि जो सैलरी ऑफिशियल वे में कंपनी से रिसीव की गई है, उसके बाद आप चाहें तो उसके उस सैलरी को अपनी कंपनी के अकाउंट में जाके जमा करवा दें। ये है एक तरीका। अच्छा, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं कि जो लोग कारोबार करते हैं, कारोबार जगह जॉब करने वाला आदमी है उसके लिए तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसकी सैलरी सिर्फ उसके अकाउंट में आने चाहिए, दैट्स ऑल, और उसी कंपनी के अकाउंट से आने चाहिए जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है। अच्छा, अब जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए थोड़ी जो रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने होते हैं। अच्छा, जो कारोबारी आदमी हैं उनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनकी कोई भी कारोबार हो, चाहे वो आपका परचून की दुकान हो, ग्रॉसरी शॉप हो, किसी भी तरह की फ्रूट की दुकान हो आपकी, उस किसी भी कैटेगरी की दुकान हो, उसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये है कि आपका जो कारोबार है वो कानूनी एक इदारे में पाकिस्तानी ऑथोराइज अथॉरिटी के पास ऑफिशियल रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, आप उस कंपनी के नाम पे, जो भी आपकी कंपनी है उसके नाम पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट वो आपके पास होना चाहिए। तीसरी जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आपके बिजनेस अकाउंट होने के साथ आपके पास NTA नंबर होना चाहिए, नेशनल टैक्स नंबर, और उस टैक्स नंबर पे आप FBR के अंदर फाइलर भी हो। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि वो फाइलर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कि फाइलर होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, लोग समझते हैं कि हम फाइलर हैं, फाइलर का मतलब ये है कि जो शख्स FBR में फाइलर है वो FBR में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर टैक्स भी पे कर रहे हो, यानी आप अपने बिजनेस से इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि फाइलर वो, बहुत से लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो देते वकार भाई देखिए हम फाइलर हैं, लेकिन फाइलर में होता है कि जो उनका एडवोकेट या वकील जो होता है वो उनका, या अकाउंटेंट उनका टैक्स फाइल तो करता है, लेकिन उसमें उनको जीरो बैलेंस होता है। जीरो बैलेंस का मतलब ये कि वो लोग जिनकी इनकम 6 लाख रुपये तक है पाकिस्तान में, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता। अब 6 लाख को अगर आप डिवाइड कर लें 6 लाख को 12 के साथ, तो ये हो गए
50,000 रुपये, तो महीने के 50,000 रुपये में आप सोचें कि जो शख्स अपनी इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान में अपने घर के खर्चे तक नहीं चला पा रहा, वो किस तरीके से बाहर यूरोप में घूमने के लिए जाएगा। इस तरह के वीज़े जो है लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पता नहीं है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 1-2 साल का आप टैक्स पे करें, उससे ये होगा कि वीज़ा ऑफिसर को अंदाजा होगा कि हाँ भाई ये इसकी इनकम इतनी है कि ये टैक्स भी पे कर रहा है। और क्योंकि FBR का डॉक्यूमेंट जो वीज़ा ऑफिसर आपसे मांगता है वो ये चेक नहीं कर रहा कि फाइलर है नहीं, वो तो पता है कि उसका फाइलर है, लेकिन वो ये चेक कर अंदाज़ा लगा रहा होता है कि इन जो FBR के पेपर है इसमें आपने टैक्स कितने पे किया है, और उस टैक्स से अंदाज़ा लगा था कि आपकी इनकम 12 लाख है तो आपने 1 लाख रुपये टैक्स जमा करवाया है, अगर आपकी साल की इनकम 15 लाख है तो आपने 1.5 लाख, इस तरीके से वो आपकी इनकम को जज करता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस मैन के लिए, और बिजनेस मैन के पास कम से कम 1 साल के FBR के अच्छी रिपोर्ट यानी अच्छा टैक्स पे हुआ हो तो फिर वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 2-3 साल का मांगते हैं, लेकिन अच्छा अगर डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, अच्छा टैक्स पे किया हुआ है और उस तरीके से अगर आपने मामला किए हुए हैं FBR के, तो आपको फिर वीज़ा मिलने में आसानी भी रहती है। साथ साथ जो कारोबारी लोगों का जो बिज़नेस अकाउंट है वो बिज़नेस अकाउंट इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मगर भाई हमारी ट्रांजेक्शन तो जो पार्टी जिनसे हम बिज़नेस कर रहे हैं डील कर रहे हैं वो हमारे अकाउंट में भेज देती हैं, हम भी उनके अकाउंट में भेज देते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में ग्रोसरी वाले और बहुत सारे लोगों का कारोबार मोस्टली ऐसा है कि वो उनकी पार्टीज जो है या रोज़ का जो लोग ख़रीदार लोग हैं वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते ना कर सकते वो, तो उसके लिए ये है कि वो वहाँ पे कैश पेमेंट जो भी रोज़ की जो इनकम आ रही है या जो भी सेल होती है वो हर दूसरे तीसरे दिन जाके अपने बैंक में जमा करवा दें, और कोशिश करें जिन पार्टी से वो सामान लेते हैं उनके अकाउंट में 1-2 दफ़ा जाके ये पेमेंट कर दें या उनको भिजवा दें उनके अकाउंट में। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो भी आप काम करें फाइनेंशियल हवाले से उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास होना मौजूद है। तो फ्रेंड्स ये है आज की चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा भी मिलेगा और आइंदा आपको जो इस तरीके से वीज़ा मिलने में कामयाबी भी होगी। तो यह अच्छी वीडियो है, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के इस चैनल के भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।